हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के अंदर सिचुएशन वेकेंट। देखिए, आपके सिलेबस में चार नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है जिसमें 50 वर्ड्स में आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनानी होगी। और ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ के लिए है? ये एडवर्टाइजमेंट है न्यूज़पेपर में जो छपती है। अगर आपने कभी न्यूज़पेपर उठा के देखा हो तो जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में आई थिंक वेडनेसडे को ये आता है और हिंदुस्तान टाइम्स में आई थिंक ये ट्यूसडे को आती हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, संडे को भी होती है। तो वहां आप देख सकते हैं कि क्लासिफाइड का मतलब है अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है ना। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का मतलब अलग अलग क्लासिफाई करते हैं, कौन सी सिचुएशन वेकेंट की है, कौन सी कार से रिलेटेड है, कौन सी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लॉस्ट एंड फाउंड है, चेंज ऑफ नेम है ना। इवन मैट्रिमोनियल एड्स होती है बहुत तरह की। तो करीब करीब ये सारी हमारे सिलेबस में भी हैं। एक एक करके हर वीडियो में हम एक पोर्शन को कवर करेंगे। इस वाली जो वीडियो में हम कवर कर रहे हैं वो है आपकी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के अंदर सिचुएशन वेकेंट, यानी जब किसी कंपनी को एम्प्लॉय की जरूरत होती है तब उस वक्त वो इस तरह की एड जो है वो अखबार में निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सारे पॉइंट्स नोट करने होंगे जो मैंने यहाँ पर लेफ्ट में लिख के रखे हैं। सबसे पहले वॉन्टेड वर्ड से स्टार्ट होगा। जैसे मैंने यहाँ पर रिक्वायर्ड वर्ड यूज किया है, तो वॉन्टेड या रिक्वायर्ड ऐसा कोई भी एक वर्ड हमको शुरुआत में यूज करना होता है, बॉक्स बनाना होता है और ऊपर सिचुएशन वेकेंट लिखना होता है। करेक्ट, आप इसको अंडरलाइन कर भी सकते हैं, नहीं भी, ऐसा कोई खास रूल नहीं है। फिर आपको नंबर वन पे देना होता है, इसके बाद तुरंत नंबर ऑफ वेकेंसीज। अब नेचुरली कोई भी कंपनी जब किसी पोस्ट को एडवर्टाइज करेगी तो डेफिनेटली इस बात को जरूर बताएगी कि उसमें कितनी वेकेंसीज है, दो लोग चाहिए, पांच लोग चाहिए। मैंने अखबारों में ऐसी ऐसी एड्स भी देखे हैं, टेलीकॉलर्स या ऑफिस असिस्टेंट्स, कोई नई कंपनी बन रही है तो 100-100, 500-500 वैकेंसीज भी निकलती हैं, बट दैट्स रेयर। यूजली जो वैकेंसीज होती हैं वो 1, 2, 5 ऐसे रहती हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज, फिर नेम ऑफ द पोस्ट। जैसे आपने बोला कि हमें क्या चाहिए, सपोज यू सेड कि वी रिक्वायर 2 ऑफिस असिस्टेंट्स या 3 सेल्स मैनेजर या 5 फैकल्टीज है ना, या लाइक 4 कंप्यूटर ऑपरेटर्स है ना, या 3 सेल्स बॉयज है ना, 5 डिलीवरी बॉयज, कुछ भी इस तरह से आप जो है दे सकते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड द नेम ऑफ द पोस्ट। उसके तुरंत बाद ऑब्वियसली आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देंगे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और कहां पर, विच लोकेशन। अब आप देखिए, जैसे स्टेट बैंक है, रिलायंस है, टाटा है, इन लोगों के ऑफिसेस ऑलमोस्ट ऑल सिटीज ऑफ इंडिया में होते हैं। ऐसे में एडवर्टाइजमेंट में सिटी मेंशन होना बहुत जरूरी है। वो बात अलग है कि रियल लाइफ में अगर दिल्ली के न्यूज़पेपर में छपी है एड और शहर का नाम नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो बंदा समझ सकता है कि ये दिल्ली की एड है। बट आपका जो क्वेश्चन पेपर है, आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं अगर मान लेते हैं, तो पूरी इंडिया में कहीं भी आपका पेपर चेक हो सकता है ना। तो उस हिसाब से आपको एक एड के अंदर एक सिटी एड करनी जरूरी है, नहीं तो पता नहीं चलेगा। So wanted, number of vacancies, name of the post, company का नाम and location, कौन सी location के लिए है, correct? अभी हम एक example लेंगे, उसके अंदर ये पूरा जितने भी मैंने points बताए हैं, है ना? ये जो classified advertisement है, ये mixed vegetable है। क्या बोला मैंने? Mixed vegetable है। Classified advertisement is a mixed vegetable। 4, 5, 6 तरह की सब्जियां मिलके जैसे mixed vegetable बनती है, उसी तरह से ये है। बहुत सारी चीजें हमें एडवर्टाइजमेंट में शो करनी होती हैं या ये कहिए डालनी होती हैं और तब वो एड पूरी बनती है। सो सबसे पहला जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द एड, जिसमें मैंने बताया कि आपको वांटेड या रिक्वायर्ड वर्ड यूज करना है, नंबर ऑफ वैकेंसीज देनी है, कंपनी का नाम बताने से पहले नेम ऑफ द पोस्ट देना है एंड लास्ट में लोकेशन देनी है। एक तरह से दिस इज पार्ट वन ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट। ये बताने के बाद आप बोलोगे आपको चाहिए क्या, आपको कैसी क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, जेंडर। कई बार पोस्ट ऐसी होती है कि उसमें जेंडर प्रेफरेंस होती है। अब जैसे अगर हम रिसेप्शन की बात करें, होने को रिसेप्शन पे बॉयज भी हो सकते हैं बट ज्यादातर रिसेप्शन की पोस्ट पर फीमेल कैंडिडेट्स होती है। ऐसी कई जगह मेल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब मान लेते हैं कि हमें, जैसे मैंने कहा डिलीवरी बॉयज, तो वैसे तो नाम में ही हो गया डेजिग्नेशन में, अदरवाइज हम बोल सकते हैं आप डिलीवरी घर घर जाके करने को, फिर वही बात है फीमेल्स भी कर सकते हैं बट इट इज अ डिफिकल्ट जॉब। उसमें हर जगह आप जा रहे हैं, पार्किंग कर रहे हैं, फिर बिल्डिंगों में चढ़ चढ़ के आप डिलीवरी कर रहे हैं, तो ज्यादातर डिलीवरी वाला जो सेगमेंट है वो बॉयज के पास रहता है। तो इस तरह से अगर कोई जेंडर प्रेफरेंस है तो वो आप मेंशन करेंगे। देन स्किल्स, अब अकाउंटेंट है तो हो सकता है कि टेली सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो या कोई और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो, है ना,
कई बार आर्किटेक्चर में या उसमें हर एक के अपने कुछ डेजिग्नेटेड सॉफ्टवेयर रहते हैं या और कुछ तो कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, तो जो कुछ भी है, कहने का मतलब यह है कि कंपनी अपने हिसाब से स्पेसिफाई करेगी कि भाई हमें ये एक्सपीरियंस, ये क्वालिफिकेशन, ये जेंडर, ये स्किल और एज ग्रुप भी एड में कई बार मेंशन होता है, उसका रीजन है। अब मान लेते हैं कि कंपनी एक सेल्समैन अपॉइंट करना चाहती है, तो डेफिनेटली कंपनी चाहेगी कि हमारा सेल्समैन यंग पर्सन हो। ऐसे में कंपनी लिख सकती है कि एज प्रेफरेंस जो है वो लेस देन 25, लेस देन 30 होना चाहिए। वहीं अगर मान लेते हैं एक स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट है, तो प्रिंसिपल यंग भी हो सकता है, बट आमतौर पर कोई भी जो स्कूल है वो चाहेगा कि प्रिंसिपल की पोस्ट पे एक रीजनेबली एक्सपीरियंस्ड पर्सन को रखा जाए, तो दे में से कि वी वांट अ एज ग्रुप ऑफ 40-45 या 40-50, थोड़ा एक मैच्योर आदमी, एक एक्सपीरियंस्ड आदमी को वो हो सकता है स्कूल का प्रिंसिपल या किसी कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट पर रखना चाहे, तो एज प्रेफरेंस भी समटाइम्स एड में मेंशन होती है। तो ये हो गया व्हाट इज रिक्वायर्ड। फिर थर्ड पार्ट में आता है व्हाट वी ऑफर, कि हम क्या ऑफर करना चाहते हैं, है ना। इसमें बेसिकली दो चीजें आती हैं, एक सैलरी कि आप क्या सैलरी ऑफर कर रहे हैं, और दूसरा या समटाइम हम लिख देते हैं सैलरी एज पर मार्केट नॉर्म्स या सैलरी एज पर गवर्नमेंट स्केल्स, वो भी एक है तरीका। नहीं तो आमतौर पर आप सीधी सीधी अगर सैलरी स्पेसिफाई करते हैं तो वो लोगों को ज्यादा समझ में आती है कि आप क्या सैलरी ऑफर कर रहे हैं, और सैलरी के साथ साथ आप इसमें बताएंगे कि आप और क्या बेनिफिट्स ऑफर कर रहे हैं। कुछ कंपनीज रेजिडेंशियल हाउसेज ऑफर करती हैं, कुछ कार फैसिलिटी, मोबाइल फैसिलिटी, जैसा भी कंपनी अपनी तरफ से देना चाहती है, समटाइम मील्स होते हैं, है ना, ऑफिस के अंदर ही अलाउड होते हैं, तो ये सारी चीजें कंपनी या पीएफ ईएसआई जो लोग जानते हैं इसके बारे में, अगर आपको नहीं आइडिया तो अभी आप इसको इग्नोर कर दें। तो इस तरह से कंपनी जो है अपनी एड्स में इन सब चीजों के बारे में लिखती है ताकि बाकायदा पता चलता है कि क्या बेनिफिट ऑफर किया जा रहा है। सो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जेंडर, स्किल्स, एज ग्रुप के बाद आप क्या चाहते हैं, फिर आप ऑफर क्या कर रहे हैं। तो सैलरी एंड परक्विजिट, वर्ड परक्विजिट मीन्स बेनिफिट्स, क्या फैसिलिटीज, क्या बेनिफिट्स आप ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद फोर्थ पार्ट में आता है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। आपने जो एड दी है आप चाहोगे कि उसके लिए तुरंत एप्लीकेशन आए, तो उसके लिए आपको एक लास्ट डेट स्पेसिफाई करनी होती है कि दैट यू मस्ट अप्लाई विद इन 2 days, 3 days। तो यूजली डेट देना प्रेफरेबल रहता है, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। आपने बता दिया कि इस लास्ट डेट से पहले आप हमें अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने का आप तरीका भी बताएंगे, मोड ऑफ एप्लीकेशन, कि आप हमें कोरियर कीजिए अपनी एप्लीकेशन को, या हमें ईमेल कीजिए, या फोन कीजिए, या वॉक इन डिटेल्स भी रहती है कि आप इस डेट को इस एड्रेस पर इतने बजे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाए, दैट इज वॉक इन, है ना, और डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और लास्ट में आप कौन सा डेजिग्नेशन अपना देना चाहते हैं जिसने इस एड को दिया, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स तो देनी ही होंगी, अदरवाइज बंदा कंपनी में कहां किसको ढूंढेगा। सो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, है ना। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान से लिखना चाहते हैं, पहली बात तो जो हमारे असाइनमेंट्स आपको दिए गए हैं उनमें ये सब चीजें दी गई हैं, फिर भी अगर आप इनको इसी बोर्ड से नोट डाउन करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल साइड में हटा हुआ हूं, आप वीडियो को पॉज कर लें और शांति से इन पॉइंट्स को नोट कर लें, है ना। चलिए अब मैं ये प्रिज्यूम करता हूं कि या तो आपकी समझ में आ चुका है या आप ये पॉइंट्स नोट कर चुके हैं और आगे अब इस वीडियो को आप देख रहे हैं। तो सिचुएशन वेकेंट की एड इस तरह से बनती है, 50 वर्ड्स की लिमिट है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है एग्जैक्ट 50 वर्ड्स की एक एड सैंपल के फॉर्म में आपको बना के दी है। एग्जामिनेशन में यही फॉर्मेट रखना है, एक बॉक्स बनाना है, सिचुएशन वेकेंट लिखनी है और एड बनानी है। एग्जाम के अंदर अगर आपकी वर्ड लिमिट 50 वर्ड की जगह 55 तक जाती है नो प्रॉब्लम, 45 रह जाती है नो प्रॉब्लम, यानी कि 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अभी शुरुआत कैसे करनी, जैसे मैंने लिखा था यहाँ वॉन्टेड वर्ड से शुरू करना है, तो ऐसे यहाँ रिक्वायर्ड आ गया, रिक्वायर्ड टू सेल्स मैनेजर, मैंने कहा था नंबर ऑफ वैकेंसीज देनी है तो मैंने दे दिया रिक्वायर्ड टू सेल्स मैनेजर फॉर नेम ऑफ द कंपनी एबीसी प्रिंट्स लिमिटेड कोलकाता। तो आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट मैंने पूरा किया, वांटेड, नंबर ऑफ वैकेंसीज, नेम ऑफ द पोस्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड लोकेशन, तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमने इसके अंदर कवर कर ली। सो टू सेल्स मैनेजर फॉर एबीसी प्रिंट्स लिमिटेड कोलकाता। फिर रिक्वायर्ड में था क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह, तो इसके अंदर हमारा है MBA विद मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो मैंने क्वालिफिकेशन बता दी मुझे MBA चाहिए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए और एज चाहिए बिलो 35। मेरे को क्लियर है कि मेरे को जो अपने सेल्स मैनेजर रखने हैं उनकी एज 35 साल से कम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा एज के लोग मुझे नहीं रखने हैं।
नाउ इसके बाद मैंने सैलरी ऑफर लिखी है 4 लाख पर एनम, करीब 4 लाख रुपए साल का मैं पैकेज देना चाहता हूँ विद कन्वेंस, यानी कि डेफिनेटली जो भी मेरे यहाँ ज्वाइन करेगा उसको मैं कन्वेंस फैसिलिटी भी दूंगा। ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि कार देंगे या बाइक देंगे, लेकिन कन्वेंस फैसिलिटी गिवन होगी, यानी कि किसी भी हालत में उसको बसों में धक्के नहीं खाने हैं। सो ये क्लियर हो गया, सैलरी ऑफर्ड इज दिस मच विद कन्वेंस। तो ये हमारा थर्ड पार्ट तक पूरा हो गया, क्या हमें चाहिए, क्या हम ऑफर कर रहे हैं, क्या हमें चाहिए, ध्यान दिया होगा एमबीए चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, एज बिलो 35 चाहिए, जो जो चाहिए वो सारी बातें हमने इसमें लिख दी। हम ऑफर क्या कर रहे हैं, 4 लाख की सैलरी ऑफर कर रहे हैं और कन्वेंस ऑफर कर रहे हैं। फिर हमने कहा था लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपको देनी है, तो मैंने इसमें लिखा अप्लाई बाय ईमेल। हाँ क्या था, मोड ऑफ एप्लीकेशन, कैसे अप्लाई करें, है ना, तो मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ईमेल। सो अप्लाई बाय ईमेल बिफोर 18th March। मैंने साथ में बोला है ऑल्सो अपलोड ऑल एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि वहां पर जब भी इस तरह का होता है अप्लाई का तो वहां पर डेफिनेटली अपलोड के लिए डॉक्यूमेंट्स की भी ऑप्शन रहती है, तो यहां पर उन्होंने बोल दिया कि आप जो है साथ में उनको भी अपलोड करें या ईमेल में साथ में अटैचमेंट की फॉर्म में भेजें। ईमेल एड्रेस मैंने दिया है job@abcprints.com। यूजली आप इसी तरह का ईमेल आईडी बनाए, सिंपल सा, ठीक है ना, आप इसमें जीमेल की भी कोई आईडी बना सकते हैं, या अब जैसे मैंने किया जॉब और ये जो कंपनी का नाम था abcprints.com, ऐसे करके आप एक सिंपल सी ईमेल आईडी ड्राफ्ट कर दें, इजी रहेगा। और लास्ट में आप एक फोन नंबर देके एचआर मैनेजर लिख दें। सिचुएशन वेकेंट में एचआर मैनेजर ही ठीक रहता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही जनरली इन एड्स को देते हैं, ठीक है ना, तो उससे आपका काम हो जाएगा, राइट। तो अभी मैं स्क्रीन से फिर हट गया हूं, अगर आप पहली बात तो समझ ही गए होंगे तो इस तरह की एड आप खुद लिख सकते हैं, प्लस हमारी टेस्ट सीरीज में इस तरह की बहुत सारी सॉल्व क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी गिवन है। फिर भी अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पॉज कर लें और इस एड को आप अच्छे से वीडियो फिनिश करने से पहले लिख लें, और कोई डाउट्स हो तो इन नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है ना जी। चलिए, थैंक यू, दिस इज नीरज गुप्ता।